ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है Realme 5 Pro के स्लो मोशन कैमरा से 240 FPS पे। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे फोटोज़ के सैंपल और कुछ वीडियोज़ के सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप जज कर सकते हैं कि Realme 5 Pro डिवाइस का कैमरा कैसे काम करता है, किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं 48 मेगापिक्सल से। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये 48 मेगापिक्सल से ली गई है। जो नॉर्मल इमेज है और जो 48 मेगापिक्सल वाली इमेज है उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आपको मिलेगा कि 48 मेगापिक्सल वाली इमेज का साइज ज़्यादा होता है, उसको आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं। वीडियो में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन में खींच के जब देखेंगे तब आपको जाके पूरा समझ में आएगा। तो ये 48 मेगापिक्सल वाली इमेज है। अब चलते हैं नॉर्मल इमेज की। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये नॉर्मल इमेज है, ये नॉर्मल कैमरे से ली गई है। इसका मैं 3-4 सैंपल और आपको दिखाता हूँ। वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा कि ऐसा है वैसा है, इमेज की क्वालिटी ऐसी है वैसी है, वो आप खुद देख के जज करेंगे कि कैसी क्वालिटी की इमेज आ रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये फ़ोटो कैसे ली गई है, किस कंडीशन में ली गई है। तो अभी स्क्रीन पे जो इमेजेस चल रही हैं वो सब इमेज नॉर्मल मोड में ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं सोनी IMX 586 सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, उसी से ये सारी इमेजेस ली गई हैं। अभी ये नॉर्मल कैमरे से ही ली गई है जो भी इमेज स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे, ये तो हो गई नॉर्मल इमेज, इसके बाद हम चलेंगे क्रोमा बूस्ट की तरफ। यहाँ पे मैं दो सैंपल आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ये क्रोमा बूस्ट वाली इमेज है। इस इमेज में देख सकते हैं सारे कलर ओवर सैचुरेटेड हैं, और इसके आगे भी एक सैंपल और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी क्रोमा बूस्ट से ली गई है। अब चलते हैं माइक्रो शॉट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो सैंपल आप देख रहे हैं ये है माइक्रो शॉट, यानी कि जो इसमें फ़ोन में माइक्रो कैमरा दिया गया है अल्ट्रा माइक्रो इमेज के लिए, वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है 2 मेगापिक्सल का, और इससे ये सब इमेज ली गई है जो स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। ये सभी माइक्रो इमेज हैं जो 2 मेगापिक्सल के कैमरे से ली गई है। आप देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन जूम करने पे ये फट जाती है, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। अभी चलते हैं अल्ट्रा वाइड की तरफ जो कि है 8 मेगापिक्सल का सेंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा वाइड सेंसर से ली गई है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये भी इमेज अल्ट्रा वाइड से ही ली गई है। इसके बाद हम देखते हैं पोर्ट्रेट शॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट शॉट कुछ इस तरह से आता है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, और इसका तो एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है, ह्यूमन शॉट्स में काफ़ी अच्छे शॉट लेता है। यहाँ मैं कुछ आपको ह्यूमन शॉट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इमेज अभी आ रही है ये बैकग्राउंड इसमें अच्छे तरीके से ब्लर हुआ है, एज प्रॉपर तरीके से इसने डिटेक्ट किया है, और यहाँ पर ये नॉर्मल शॉट है ह्यूमन शॉट, ये भी इमेज नॉर्मल कंडीशन में ली गई है। और इसके बाद ये कुछ आते हैं सेल्फी शॉट्स की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल्फी है जो नॉर्मल लाइटिंग में ली गई है, नेचुरल लाइट में, ये भी सेल्फी इमेज ही है जो नेचुरल लाइट में ली गई है। इसके बाद मैं पोर्ट्रेट्स खींच लेता हूँ शॉट, जिसमें बैकग्राउंड यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से इसने ब्लर किया है, जो भी एजेस है इसने प्रॉपरली डिटेक्ट किया है, ये भी एक पोर्ट्रेट शॉट ही है। इसके बाद मैं देखता हूँ लो लाइट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका फ्रंट कैमरा, जो कि है 16 मेगापिक्सल का, सोनी का ही सेंसर है, ये भी लो लाइट की ही इमेज है। इसके अलावा ये सब आर्टिफिशियल लो लाइट है, जहाँ पे इजीली कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से कैमरा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा इसमें नाइट मोड भी दिया गया है। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिख रहा है ये लिया गया है स्लो मोशन में 240 FPS पे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस फ़ोन से स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप 240 FPS पे करें, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें सुपर स्लो मोशन भी है 960 FPS का, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो सैंपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सुपर स्लो मोशन है 960 FPS पे, लेकिन यहाँ पे वीडियो उतनी स्मूथ नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये स्लो हो जाता है, ये सुपर स्लो मोशन है। इसके अलावा ये जो तीसरा शॉट है इसको आप देख पा रहे हैं ये 120 FPS पे है, ये स्लो मोशन ही है लेकिन 120 FPS पे है, तो मेरे ख्याल से 240 वाला ज़्यादा बेटर था। इसके अलावा ये नॉर्मल वीडियो है 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, और आप जैसा कि देख सकते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन भी इसमें दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।